अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू ब्रेड सैंडविच। यहाँ हमने लिए हैं कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच, 1 अंडा, 100 ग्राम बेसन। यहाँ हमने 3 आलू लिए हैं, इसको हमने उबाल कर रख लिया, और ब्रेड। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बेसन को अच्छी तरह से छान लीजिए, इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 बटर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चौथाई चम्मच सोडा, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे 1/2 गिलास, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें अभी ऐड कर रहे हैं ज़ीरा, 1/2 चम्मच ज़ीरा है ये, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। ये बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अभी हम ऐड करेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर भी इसमें हमको ऐड करना है। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर अच्छे से मिक्स कीजिए इसे। इसमें हम अब ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर, कॉर्नफ्लोर पाउडर 1 चम्मच है।
यहाँ शुरू करेंगे अंडा फेंटने की तैयारी। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब मसालों को अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फिर इसे बेसन के बैटर में ऐड कीजिए और अच्छी तरह से अंडा और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे यहाँ आलू की फिलिंग। जो ब्रेड में हम जो भरेंगे वो आलू की फिलिंग हमको तैयार करना है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया। ये सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी हर रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। ये फिलिंग इतनी अच्छी रहती कि आप बाहर ब्रेड में भरे भी खा सकते। हम ब्रेड में इसे आलू को फिल करते हैं। इसी तरह हम सारे ब्रेड में फिलिंग को भर लेंगे। यह हमारी पूरी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने पैन पहले से तेल डालकर रखा था पैन में। हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। चलिए हम सैंडविच फ्राई करते हैं।
बटर में कॉर्नफ्लोर ऐड करने से सैंडविच क्रंची बनती है और अंडा ऐड करने से टेस्टी बनती है। सैंडविच को आप स्लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। जितना स्लो फ्लेम पे आप फ्राई करेंगे उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा और क्रंची भी बनेगा। देखिए यहाँ कलर आना चालू हो गया इसमें। कुछ इस तरह से फ्राई कीजिए। याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।